माई चैनल क्विंस मेकअप एंड ब्यूटी वर्ल्ड, मैं हूँ जागृति। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक होममेड स्क्रब शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्क्रब है ये सिर्फ 3 चीज़ों से मिलकर बना है एंड ये आपके फेस को डीपली एक्सफोलिएट करेगा, आपके सन टैन को दूर करेगा एंड ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये जो स्क्रब है ये बहुत ही अच्छा है। तो इसको देखना है आपको कि कैसे इसको बनाना है, बहुत ही आसान है एंड वीक में 1 से 2 बार आप इसको अप्लाई कीजिए। एंड मैंने जो आपके साथ होममेड फेस सीरम शेयर किया हुआ है, इसके करने के बाद आप उसको अप्लाई कीजिए तो आपका जो रिज़ल्ट है वो डबल हो जाएगा। तो अगर थोड़ी सी भी आपको अनइवन स्किन टोन है, डार्क पैचेस हैं, तो ये सारा कुछ ये रिमूव करेगा और बहुत ही अच्छे से आपके स्किन को क्लीन करेगा। और इसके बाद आपको बिल्कुल गोरी निखरी त्वचा आपकी हो जाएगी, बिल्कुल जैसा हम चाहते हैं कि हमारे स्किन पर कोई भी दाग धब्बे ना हो, सारा कुछ बिल्कुल वैसा ही आपको मिलने वाला है। तो ये जो स्क्रब है इसको वीक में 1 से 2 बार रेगुलरली आप यूज़ कीजिए एंड मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल क्वींस मेकअप एंड ब्यूटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल मिलेगा, उसको आपको हिट कर देना है जिससे कि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसके बाद चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस स्क्रब को बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा बोल लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा बनाना लिया है एंड इस बनाना में मुझे 1/2 टेबल स्पून शुगर ऐड करना है। तो आप शुगर को थोड़ा सा एक बार हल्का सा ग्राइंड कर लें, बहुत मोटे दाने आपको नहीं लेने हैं, नहीं तो वो आपके स्किन पे थोड़ा सा आपको चुभते हैं और उससे थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है। तो आपको शुगर को थोड़ा सा बारीक पीस लेना है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बनाना एंड शुगर। एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हनी, तो 1/2 टेबल स्पून आपको हनी ऐड करना है। आप किसी भी ब्रांड का हनी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर पतंजलि की हनी यूज़ करी है। तो इसमें आप थोड़ा सा इसको 1/2 टेबल स्पून के करीब इसको ऐड कर देंगे। दैट्स इट, बस आपका जो स्क्रब है वो बिल्कुल रेडी है। तो इसको अच्छे से आपको बनाना को मैश कर लेना है ये इस तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको ये स्क्रब कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपने बालों को पीछे कर ले या फिर किसी क्लचर या फिर हेयर बैंड की हेल्प से इस तरीके से अपने बालों को पीछे कर लेंगे। एंड आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फेस पे मेकअप अप्लाई किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं अपने मेकअप को रिमूव कर दूंगी और उसके लिए मैं यहाँ पे कलर बार का मेकअप रिमूवर वाइप यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें से मैं एक वाइप मैं निकालूंगी और उसके बाद हम अपना मेकअप अप्लाई करना है अपना स्क्रब। तो सबसे पहले मैं इस स्क्रब को अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने मिक्सर से ग्राइंड कर लिया है इसको, तो इसको अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में इस स्क्रब को यूज़ करना है। ट्रस्ट मी गाइस, आप ये स्क्रब अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इसमें हनी है जो आपके स्किन को टाइटनिंग करेगा। अगर आपकी स्किन लूज हो चुकी है, आपके स्किन पे रिंकल्स हैं, तो उसको ये रिमूव करेगा, आपके स्किन को टाइटन अप करेगा, ब्राइट करेगा। और उसके बाद मैंने इसमें शुगर ऐड किया है जो आपके स्किन को डीपली एक्सफोलिएट करेगा, डेड सेल्स को रिमूव करेगा। सो गाइज, मैंने अपने स्क्रब को वॉश कर लिया है एंड ओ माई गॉड, इट फील्स सो लाइट एंड फ्रेश एज यू कैन सी। तो आप भी इस फेस स्क्रब को जरूर अप्लाई कीजिए एंड मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्क्रब अप्लाई करने के बाद मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी। आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करें,
और आप देख सकते हैं कि मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बहुत ही अच्छे से नरिश हो चुका है। एंड इसमें बनाना है तो आपकी स्किन अगर ड्राई है तो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को नरिशमेंट भी होगा, ये स्क्रब आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। मैंने इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको लाइव करके दिखाया है, मैं हमेशा ही आपको लाइव करके दिखाती हूँ जो भी मैं आपसे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ऐसा ऐसे कर लेना है। तो ये देखिए आप। सो गाइज, ये मेरा आज का वीडियो था जिसमें मैंने आपसे साथ एक होममेड स्क्रब शेयर किया। आई होप कि आपको यूज़फुल लगा होगा एंड आप इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे साथ जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड वंस अगेन मेरे चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। मैं नेक्स्ट आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।